साथियों, आज आपके सामने कुछ सवाल ऐसे लेके दो सवाल आ रहे हैं जो आपको परीक्षाओं में कई बार SSC या और परीक्षाओं में पूछा जाता है, छोटी परीक्षाओं में भी, जैसे पुलिस में भी, या अभी सब हो गया आने वाला है ना, तो ये वीडियो की परीक्षा, ये तमाम परीक्षाओं में मतलब ये उपयोगी है। और आप इसको देखें कैसे लिखा है, भाज्य, भाजक, भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना। इन सब पर जो है कोई एक चीज है, 1, 2, 3, 4, चार चीजें दी हुई हैं। चार में से कोई तीन पता हो जाए या कोई दो पता हो जाए तो उसके सहारे हम निकाल लेंगे, कोई तीन के सहारे चौथी निकल जाती है। तो सवाल पर आए सीधे से कैसे निकलेगा इसमें संबंध, यदि भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना तथा शेषफल का 16 गुना हो तो भाज्य संख्या कितनी होगी जबकि शेषफल 7 है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अभी तक सब अज्ञात ही है, शेषफल केवल पता है, तो जो पता है उसको पहले लिख लीजिए। तो शेषफल आपका हो गया 7। ये जो शेषफल 7 है, इस 7 का कितना गुना है भाजक, यदि भागफल की संक्रिया में भाजक, ये जो भाजक है इसकी बात हो, यहाँ चौकोर बना देते हैं, ये भाजक एक बार कह रहा है कि भागफल का ये जो है 8 गुना है, और एक बार वो कहा जा रहा है कि वह शेषफल का 16 गुना है। तो इसका मतलब ये शेषफल अगर 7 कन्फर्म है कि यहाँ पर शेषफल 7 है, तो शेषफल का जब 16 गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा भाजक, यानी कि भाजक जो है ये आ गया बराबर 16 सते 112। ये उत्तर हो गया। अब यहाँ पर ये जो एक प्रश्न का ये यहाँ से निकला कि भाजक निकल गया, अब दूसरी तरह से हमें ये भी चाहिए, भागफल भी चाहिए। तो भागफल कैसे निकलेगा, तो देखिए वह जो भाजक है इसके जगह पर अब हम लोग लिख देंगे 112, चूंकि निकल चुका है, बराबर यही जो भाजक है यह भागफल का 8 गुना है। तो यहाँ पर भागफल पता नहीं है तो लिख लीजिए भागफल और गुणे इसका 8 गुना, माने 8। तो अब देखें क्या पड़ेगा, भागफल जो है कितना निकल जाएगा, ये भागफल भागफल बराबर ये 8 से कट जाएगा यहाँ से, ये तो क्योंकि भागफल जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 112। यहाँ पर ना भी काटा जाए, पहले पहले नहीं काटा जाए, एक लाइन और देख लेंगे, तो ये हो गया 112/8। अब काट दीजिए तो देखिए 8 × 8 और 8 × 8 ये भी होगा, 3 बचेगा 32 हो जाएगा, 8 × 4 = 32, यानी भागफल का मान आ गया 14। ये जो भागफल 14 आ गया, अब आपके देखिए कि शेषफल पहले से पता है, शेषफल पता है, भागफल पता चल गया और भाजक भी पता चल गया है, ये भाजक आ गया। जब ये सब पता चल गए तो हमें निकालना क्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या बराबर क्या होती है, देखिए भाज्य संख्या बराबर होता है कि ये जो भाजक है, भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। तो इसी में सबका मान रख दिया जाए तो ये भाज्य संख्या अपने आप निकल जाएगी। भाज्य संख्या, भाजक क्या निकल गया है, 112 निकल गया है, तो 112 हुआ। गुणे भागफल कितना निकला हुआ है, भागफल आपका ये 14 निकला हुआ यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14। और धन शेषफल जो यहाँ पर है ये 7 ऑलरेडी है यहाँ पर, तो इसको देखिए गुणा कर लिया जाए, 14 का 14 दुना 28 हो गया। पहले बोर्ड मास के अनुसार इतना ही हल किया जाएगा, फिर प्लस किया जाएगा, तो 14 दुना 28 और हंसला 2 हो गया, तो 14 × 14 = 16, हंसला मतलब 6 हो जाएगा, हंसला 1, 14 × 14 और 1 = 15, तो ये हो गया 1568 और प्लस ये हो गया। अब 1568 में 7 जोड़ेंगे तो 7 8 ये जोड़ा जाए तो ये 5 हो जाएगा, 1 15 15 और इससे बढ़ जाएगा 75 और ये हो गया 15, तो ये हो गया 1575 आपका उत्तर। देखिए किस विकल्प में है, 1575 जो है पहले ही विकल्प में है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सवाल आपको समझ में आया होगा, लेकिन इससे पहले आप ये और अच्छी तरह समझ जाए, थोड़ी सी आपको एक बात और इसमें शेयर की जाती है जो आप जानते हैं, केवल आपको उसमें रिफ्रेश करना है, आपको रिमाइंड कराना है, फिर से याद दिलाना है कि ये क्या चीजें हैं। जैसे भाज्य को और निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर बीच में लिख देते हैं, यहाँ लिख दिया, मान लीजिए हम लिख भाज्य, ये भाज्य जो है इसको किसी से भाग देते हैं जिसको होता है भाजक, ये होता है, और जो यहाँ पर लिखते हैं भागफल, ये आप जानते ही हैं, यहाँ पर लिखते हैं भागफल, और जो कुछ यहाँ पर प्राप्त होता है उसके बाद में घटाने के बाद यहाँ पर नीचे लिखा जाता है शेषफल, ये आप जान रहे हैं। तो जब भी इसी से सूत्र बना था, जो सूत्र भी अप्लाई किया गया था, ये बीच में जो लिखा है ये चीज, इसका ये सूत्र लिखा गया था, ये अविभाज्य बराबर भाजक देखिए और गुणे भागफल, भागफल यानी कि इसका और इसका जब गुणा कर देंगे और
ये जो शेषफल है उसको प्लस कर देंगे उसमें ले जा करके, तो ये भाज प्राप्त हो जाएगी। तो भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, यही चीज है। तो ये आप जानते हैं और इसी आधार पर ये सवाल लगाया जाएगा। जैसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जो छोटी परीक्षाओं की तैयारी बहुत कर रहे हैं साथीगण, जैसे मान लीजिए आपका ये है 18 है और इसको 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ 18 है 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 चौका 16 हो जाता है, बचता है 2 शेषफल। तो अब देखिए इस 4 का इस 4 से फिर से गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 4 गुणे 4, तो और उसके बाद जो शेषफल है इसको भी जोड़ दिया जाए, तो 4 गुणे 4 पहले कर देते हैं, भाज्य निकल जाएगा। जो ये भाज्य है, भाज्य अंदर ये वाली संख्या, ये भाज्य है, तो भाज्य बराबर क्या होगा, फिर से ये जो भाग भाजक है और भागफल है, इसको गुणा किया 4 गुणे 4, और जो शेषफल आया उसको जोड़ दिया जाए, तो 4 चौका 16 और धन 2 बराबर फिर से 18 आ गया। तो यही 18 यहाँ पर आया, इसको इस तरह भी समझ ले ताकि ये सवाल आपको इस तरह कभी भी आ जाए तो आसानी से लग जाए। आपको ये बेसिक चीजें फिर से आपको रिमाइंड कराई गई है ताकि आपको अच्छी तरह दिमाग में बैठ। अब देखिए दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल आपको समय बचाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि परीक्षाओं में आपका जितना ही अधिक क्वेश्चन हो पाएगा उतनी अधिक सफलता की संभावना बनती है ना। भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो जिस जो चीज कंफर्म दिया हो पहले उसको लिख लीजिए, ये कंफर्म भागफल दे दिया 16 हो तो भाज्य संख्या ज्ञात करिए। तो फिर देखिए भाज्य संख्या हम ज्ञात करने के पहले हमें जितनी चीजें चाहिए वो सारी चीजें हम पहले निकाल लें। अभी एक ही चीज पता है भागफल, तो भागफल अगर पता है तो भागफल के हिसाब से हम निकाल लेंगे भाजक, क्योंकि ये जो भाजक है, ये जो भाजक है ये भागफल का 25 गुना है, कितना गुना है 25 गुना। तो पहले भाजक निकाल लें, भाजक बराबर ये भागफल है तो भागफल लिखिए। अब वहां पर लिखना नहीं है परीक्षा में, ये परीक्षा में समय बर्बाद करने वाला है, लेकिन अभी चूंकि समझना है इसलिए लिख लेते हैं भागफल, और इस भागफल का कितना गुना है ये 25 गुना, गुणे 25 कर दीजिए, ये 25। अब यहाँ पर कैसे हो जाएगा, भागफल ऑलरेडी यहाँ पर कंफर्म दिया हुआ 16, तो यहाँ लिख दीजिए 16 गुणे 25। अब देखिए पहाड़ा पढ़ ले, तो ये फिर 16 5 80, ये 0 हो गया, और 16 2 32, 32 में और 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 40, यानी 400 हो गया। तो ये 400 हो गया भाजक। अब यहाँ जब ये भाजक पता चल गया, अभी हमारे पास और चीजें क्या पता होगा, ये भाजक पता चल गया, ये भाजक है, भाजक निकल गया, अब भागफल भी पता चल चुका है, तो हमें अब अगर शेषफल पता चल जाए, क्योंकि शेषफल का 5 गुना है, तो ये शेषफल जो है, ये शेषफल का 5 गुना कौन है, शेषफल का 5 गुना यही भाजक है, एक बार यह भाजक भागफल का 25 गुना है और दोबारा फिर यही भाजक शेषफल का 5 गुना है। तो अब देखें ये जो हमारा भाजक निकल चुका है तो इसी से निकलेगा भाजक, ये लिखना नहीं दोबारा, खाली अंक लिख देंगे, लेकिन फिलहाल भाजक बराबर हो जाएगा शेषफल और गुणे इसका है 5 गुना 5, तो शेषफल गुणे 5, यानी भाजक के जगह पर आपने क्या लिखना है 400, क्योंकि ये 400 यहाँ पर निकल चुका है, तो जहाँ भाजक है वहाँ 400 लिख देंगे, बराबर शेषफल आपका दिया हुआ है यहाँ पर 16, तो वो 16 को यहाँ पर लिख लिया जाए और गुणे 5 कर दिया जाए, क्योंकि गुणे में 5 गुना है शेषफल का, तो गुना माने गुणा यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे कटेगा, फिर यहाँ पर निकालना था जो है किसी तरह से, साथियों ये 16 थोड़ा गलत लिखा गया, क्योंकि 16 तो भागफल है, शेषफल निकालना है, तो शेषफल निकालना है तो शेषफल यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर व्हाट लिख देते हैं कि शेषफल निकालना है, क्योंकि ये शेषफल पता होना चाहिए, ये मिस्टेक बस यहाँ पर भागफल को समझ लिया गया था। फिलहाल भाजक निकल चुका है 400 बराबर शेषफल गुणे 5, शेषफल का भी 5 गुना है, तो शेषफल को पता करना है, शेषफल यहाँ ज्ञात नहीं है, तो इसी में हम लोग मान रहे जितने देर में हम बोल रहे हैं अब आपको समझ में आएगा उतने देर में आप लगा लेंगे, ये पता लगाना है ये शेषफल जो है ये शेषफल। तो देखिए ये डायरेक्ट कट जाएगा, यहाँ से 5 का 5 हो गया और ये 5 बटे 40 और 1 0 हो जाएगा, या पक्षांतर करके लगाएंगे तभी यही होगा, 400 बटे यहाँ पर 5 कर देंगे, यहाँ पर वाट आ जाएगा ये, तो 5 बटे 40 और 5 मिनट, तो यानी कि आपका ये शेषफल भी 80 आ चुका है। अब शेषफल जब 80 आ गया तो सारी चीजें पता है, और लास्ट में क्या पूछा है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कैसे नहीं निकलेगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा, तो भाज्य संख्या, ये भाज्य संख्या बराबर क्या हो गया भाजक, भाजक आपको पता चल चुका है 400, तो ये हो गया 400 भाजक गुणे भागफल, भागफल हमारा यहाँ पहले से दिया हुआ है 16 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 16 धन शेषफल, धन शेषफल कितना निकला हुआ है यहाँ पर, अभी हम लोगों ने शेषफल निकाला हुआ है, ये 80 आ रहा है शेषफल यहाँ से समीकरण से, तो यहाँ धन लिख देंगे 80।
अब देखिए बोर्ड मास के नियमानुसार ये पहले किया जाएगा, तो 16 और ये 00 ऐसे ही लिख दीजिए और 16 चौका 64 आप लिख दें, ये हो गया। प्लस आपका क्या हो गया 80। अब जोड़ा जाए तो ये 6400 प्लस 80 जोड़ेंगे तो ये 6480 इसका उत्तर हो जाएगा। अब 6480 देखिए किस विकल्प में है, यही भाज्य संख्या है। 6480 किस विकल्प में है, विकल्प ये जितने विकल्प है नजर डालने पर लगता है कि विकल्प बी में है, तो ये 6480 हो गया। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, और पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो केवल लाइक करें, और आपको जब भी हम वीडियो कोई अपलोड करेंगे आपको स्वतः मिलता रहेगा। ये सिलसिला जारी रहेगा आपका गणित रीजनिंग और विशेष रूप से तथा जीएस भी आपके सामने सरल रूप में प्रस्तुत किया जाएगा अध्ययन पुनरावृत्ति के रूप में, क्योंकि कोई भी ज्ञान तभी कन्फर्म होगा जब पुनरावृत्ति अधिक होती है, तो वो ज्ञान और दीर्घकालीन मेमोरी में चला जाता है, सफलता सुनिश्चित होती है।